चैतन्यं शाश्वतं शांतं व्योमातीतं निरंजनं नादबिंदुकलातीतं तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्नं विराजित पदाम्बुजं वेदांताम्बुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडानंदबोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। न गुरो अधिकं तत्त्वं न गुरो अधिकं परं गुरो परतरं नास्ति तस्मात् संपूज्यते गुरो। ध्यान मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा मूलं गुरोपदं मंत्र मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्ष मूलं गुरोः कृपा। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगींद्रमठस्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मठस्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्षिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याण संशयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलं विदुः। ओंकारश्चाथ शब्दश्च द्वयेतौ ब्रह्मणः पुरा
कंठम भित्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अश्रण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है, अर्थात उसको कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं आता है, नित्य सुख शांति को प्राप्त कर लेता है, मृत्यु नहीं आती, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए जीव को अपने परम कल्याण के लिए भगवान का ज्ञान परमावश्यक है। भगवान के ज्ञान का साधन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान की वाणी वेद और गुरु है, तो गुरु के द्वारा वेद सुन करके और भगवान का ज्ञान हो जाता है और ज्ञान से अज्ञान दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान के ज्ञान में अज्ञान ही बाधक है। जैसे सूर्य हमारी तुम्हारी सबकी आंखों का अंशी है और हमारी तुम्हारी सारे संसार की आंखें सूर्य की अंश है, इसलिए सूर्य दर्शन में कोई बाधा नहीं होती नेत्रों को। परंतु यदि आकाश में मेघ मंडल आ जाए, वर्षा होने लगे, काली घटा छा जाए, तो सज्जनों हमारी तुम्हारी आंखें अंश होने पर भी अपने अंशी सूर्य का दर्शन नहीं कर पाती। और यदि मेघ हट जाए, बादल हट जाए, प्रत्यक्ष दर्शन होने लगता है, कोई बाधा नहीं। तो नेत्रों को सूर्य के दर्शन करने में ये मेघ जो है, बादल जो है, ये प्रतिबंधक है। इसी प्रकार से भगवान सूर्य के समान है और हमारे तुम्हारे जो स्वरूप आत्मा है वो नेत्रों के समान है। तो आत्मा को परमात्मा का दर्शन करने में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, परंतु ये माया रूपी मेघ जब आ जाता है तो सज्जनों ये प्रतिबंधक हो जाता है बीच में आ जाने से। और ये माया रूपी मेघ जगत रूपी वर्षा करने लगता है, और अज्ञान छा जाता है, अंधकार छा जाता है। अब यदि माया रूपी मेघ और ये जगत रूपी बरसात हट जाए
तो हमको तुमको भगवान के दर्शन में प्रतिबंध कुछ न होगा। और ये अज्ञान माया रूपी मेघ, अज्ञान आवरण, मल विक्षेप आवरण के रूप में स्थित होता है। इसलिए जो भगवान की वाणी वेद है, ये मल विक्षेप आवरण इनको हटाता है। मल को हटाता है, मल नाम अनेक जन्मों के पाप का है। विक्षेप को हटाता है, माने मन की चंचलता को हटाता है। आवरण को हटाता है, अज्ञान अंधकार को हटाता है। और त्रिकांड मयो वेदा, वेद त्रिकांड रूप है, कर्म उपासना ज्ञान, ये वेद के तीन कांड हैं। तो कर्म कांड से मल दोष दूर हो जाता है। उपासना नाम भगवान की भक्ति का है, भगवान का ध्यान चिंतन करना उपासना है। उससे विक्षेप माने मन की चंचलता दोष दूर हो जाता है। और ज्ञान से अज्ञान दोष दूर हो जाता है। फिर जीव को ईश्वर दर्शन में, आत्मा को परमात्मा दर्शन में, फिर कोई बाधा व्यवधान तो होता नहीं है, साक्षात दर्शन होने लगता है। जैसे हमारे तुम्हारे नेत्र सूर्य के अंश होने से सूर्य रूप ही है, ऐसे ही जीव ईश्वर का अंश होने से वो भी ईश्वर रूप ही है। अंश अंशी में भेद नहीं हुआ करता है। जैसे माटी का अंश, माटी का एक टुकड़ा भी है, ढेला भी है, तो माटी से जुदा तो नहीं हो सकता है, वो भी माटी रूप ही है। जल की एक बिंदु जल की ही अंश है, इससे वो भी जल रूप ही है। जल से भिन्न तो नहीं हो सकता है, दूसरी चीज तो नहीं हो सकती जल से। अग्नि की चिंगारी एक, वो भी अग्नि की ही अंश है, इसलिए अग्नि से अभिन्न है, भिन्न अलग तो नहीं हो सकती। सूर्य एक है, सूर्य की किरणें सहस्रांशु, सहस्रों अंशु माने किरण है उसकी, परंतु सूर्य की एक किरण सूर्य से भिन्न तो नहीं हो सकती है, वो भी सूर्य रूप ही है। ऐसे ही अग्नि के समान ईश्वर है, उसकी एक चिंगारी के समान जीव, आनंद सिंधु जल के समान भगवान है, परमात्मा है, तो एक बिंदु के समान जल भी जीव भी है, अलग कैसे होगा। सूर्य के समान भगवान है, तो सूर्य की एक किरण जीव भी है, तो सूर्य से अलग कैसे हो सकता है। तो ये अज्ञान के कारण सज्जनों ये ज्ञान नहीं होने पाता है जीवा, ये बीच में व्यवधान पड़ता है। तो कर्म उपासना ज्ञान ये त्रिकांड में वेद से सज्जनों मल दोष, विक्षेप दोष, आवरण दोष दूर होता है, फिर कोई प्रतिबंध नहीं रहता है। आत्मा को परमात्मा का दर्शन करने में, जीव को ईश्वर दर्शन में, तो कर्म किसको कहते हैं। श्रुति जो वेद है उसमें जो विधान किया है
ये करना चाहिए जीवों को, उसको कर्म कहते हैं। और श्रुति ने, वेद ने जिनका निषेध किया है उसी को विकर्म कहते हैं। श्रुति विरुद्ध कर्म विकर्म कहे जाते हैं। श्रुति स्त्री वेद आमनाए त्रयी धर्मस्तु तद विधि। श्रुति वेद आमनाए त्रयी, ये वेद के नाम है। धर्मस्तु तद विधि, धर्म क्या है, कर्म क्या है, तद माने उस वेद की विधि, और निषेध कहा वो अधर्म है, अधर्म को ही विकर्म कहते हैं। वेद विरुद्ध कर्म विकर्म कहे जाते हैं, और वेद विहित कर्म धर्म कहे जाते हैं। इसलिए जो वेद विहित कर्म है सज्जनों, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के धर्म वेद में विधान किए गए, पति पत्नी का धर्म, गुरु शिष्य का धर्म, पिता पुत्र का धर्म, राजा प्रजा का धर्म वेद में विधान कर दिया गया है पहले से ही। चारों आश्रमों के धर्म वेद में विधान है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये चारों आश्रम है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार वर्ण कहे जाते हैं। तो वेद में जैसा बताया गया है जिसका धर्म, उसका पालन करना ही कर्म कहलाता है। तो उन कर्मों को यदि पालन करे वेद विहित कर्म, तो जीव का मन निर्मल हो जाता है। धर्मात्मा के पास में सुख संपत्ति आती, यश कीर्ति होती। जिम सरिता सागर मह जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पहाय जाय शोभाए। जैसे सभी नदियां बिना बुलाए समुद्र के ऊपर, समुद्र की तरफ दौड़ी चली जाती हैं, समुद्र कभी भी नदियों को, नदियों के जल को बुलाता नहीं, वो तो जल सिंधु है, जल निधि है, उसको जल की क्या इच्छा है, कुछ नहीं। पर बिना बुलाए ये सारी नदियां समुद्र की तरफ जा रही हैं, और वहीं गिरती हैं जाकर के समुद्र में ही। तिम सुख संपत्ति बिना ही बुलाए, धर्मशील पहचाने सुभाए। इसी प्रकार जो धर्मात्मा पुरुष है वेद के विधान के अनुसार अपना धर्म कर्म करता है, बिना बुलाए उसके पास में सुख संपत्ति आती है, यश कीर्ति होती है उसकी। धर्मात्मा पुरुष की यश कीर्ति होती है। सामान्य धर्म, विशेष धर्म, इस प्रकार सकाम धर्म, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, कर्म के भी विधान है। धर्म क्या है, सामान्य धर्म और विशेष धर्म दो प्रकार के होते हैं। अपने अपने वर्ण आश्रम पद अधिकार के धर्मों का पालन करना ये विशेष धर्म है। और सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र,
पिता पुत्र गुरु शिष्य राजा प्रजा सब लोग जिसको पालन करें उसको सामान्य धर्म कहते हैं। सामान्य धर्म में सबका एक धर्म होता है, सभी वर्ण वाले उसका पालन करें, सभी आश्रम वाले पालन करें, पिता भी पुत्र भी गुरु भी शिष्य सब कोई पालन करें। तो वेद में सामान्य धर्म इस प्रकार बताए गए हैं, अहिंसा सत्यमस्तेयो ब्रह्मचर्या परिग्रह अक्रोधो गुरु शुश्रूषा शौचम संतोषम आर्यवम अमानित्वम अदम्भित्वम आस्तिकत्वम अहिंसता एते सर्वे गुणा गेया सात्विकस्य विशेषता। अहिंसा, हिंसा नहीं करना, न तन से हिंसा करना न मन से हिंसा करना, मने हिंसा की बात मन से भी न सोचना। स्वयं न करना और दूसरे से करवाना भी नहीं, और कोई हिंसा करने जा रहा हो तुमसे सलाह लेने आओ हिंसा की, तो हिंसा का अनुमोदन भी नहीं करना, अनुमति अपनी नहीं देना कभी हिंसा के लिए। यही सर्वोत्तम अहिंसा है, न वाणी से किसी को दुख दे कि ऐसी वाणी बोले कि उसको बाण जैसे लगे, वाणी से हिंसा ही दुख देना हिंसा है, तन से मन से वाणी से दुख देना हिंसा कहलाती है। सज्जन तन से भी न देना, किसी को मारना पीटना, वाणी से भी ऐसा कठोर वचन नहीं बोलना, और मन से भी किसी का अहित नहीं सोचना, हिंसा की बात भी न सोचे कभी। यही यथार्थ अहिंसा है सज्जन। और वेद में पहला नाम अहिंसा का आया है, अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, पहले अहिंसा ही आया है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म बताया गया है। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, परम धर्म क्या है कहा श्रुति में विख्यात प्रसिद्ध अहिंसा, यही परम धर्म। अहिंसा अधर्म है, परम पाप है, ये वेद की विधि है सज्जन। इस विधि को जो नहीं मानता है हिंसा ही करता है, तो जगत की उत्पत्ति और पालन और संहार तो ईश्वर करता है ना, तो ईश्वर के दंड से वो नहीं बच सकता फिर। और जो संसार में राजा होता है ना वो भी ईश्वर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए किसी राजा के राज में भी हिंसा का कानून विधान नहीं होता है। जो हिंसा करता है उसको प्राण दंड दिया जाता है, ईश्वर का ही वो प्रतिनिधि राजा। तो जो ईश्वर की जो राजा, जो प्रजा राजा के कानून को नहीं मानता है, क्योंकि राजा का कोई राजा का कानून
प्रजा की हिंसा करने को नहीं करता, कहता, क्योंकि राजा पिता के तुल्य होता है और प्रजा पुत्र के समान होती है। कोई भी पिता अपने पुत्र की हिंसा का आज्ञा नहीं दे सकता है, और जो पुत्र पिता का कहना नहीं मानेगा तो पिता उसको दंड देता है। ऐसे ही राजा जो प्रजा नहीं मानती राजा के कानून को, आज्ञा को, तो राजा उसको दंड देता है, उसको प्राण दंड देता है, फांसी देता है। इसी प्रकार ईश्वर भी वो सारे संसार का राजा है, सारे जीव उसके ही पुत्र हैं, पिता के समान है, राजा है, अपने पुत्रों की रक्षा करता है। गीता में भगवान ने कहा है, पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋग साम यजुरेव च। अर्जुन, जगत का पिता मैं हूं और माता का माता भी मैं ही हूं। लोक में तो माता पिता दो होते, तब संतान होती, केवल माता से और केवल पिता से तो संतान नहीं होती। कोई भी पुरुष अकेले संतान पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकता, इसी प्रकार से कोई भी स्त्री पुरुष के बिना, पति के बिना पुत्र नहीं उत्पन्न कर सकती। यही देखने में आता है लोक व्यवहार में। यदि पुत्र की इच्छा हो किसी पुरुष को, तो कोई पत्नी उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा, बिना पत्नी के पुत्र नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कोई ब्रह्मचारिणी स्त्री को यदि पुत्र पाने की इच्छा हो, उसको भी कोई पति स्वीकार करना ही पड़ेगा, अकेली नहीं कर सकती। परंतु भगवान के वचन जगत की उत्पत्ति पालन संहार करने में स्वतंत्र यही बता रहे हैं, लोक विरुद्ध बता रहे हैं। वो कहते हैं, पिता हमस्य जगतो, अस्य जगतः पिता अहम्, इस जगत का पिता मैं हूं अर्जुन। अच्छा, भगवान कभी झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए भगवान की वाणी सर्वज्ञ होने से प्रबल प्रमाण है, परम प्रमाण है, मानना ही पड़ता है भगवान की वाणी। और जितने भी जीव हैं अल्पज्ञ होने से ये परम प्रमाण नहीं हो सकते हैं, ये सर्व सब नहीं जानते हैं, जीव थोड़ा जानते हैं, ईश्वर तो सब जानता है। इसलिए ईश्वर की बात जीव को मानना ही पड़ता है, ईश्वर की वाणी वेद है, गीता है, मानना ही पड़ता है। तो भगवान कहते हैं, पिता अहम् अस्य जगतः, इस जगत का पिता मैं हूं। अर्जुन ने कहा, प्रभु माता, कहा माता अहम्, माता भी मैं ही। धाता, कहा धाता भी मैं ही। धारणा धाता, जो जगत को अपने में धारण करे उसको धाता कहते हैं। सज्जनों, जैसे पृथ्वी आम अमरूद अनार अंगूर गेहूं जौ चना
इनको सबको अपने में ही उत्पन्न भी यही पृथ्वी करती है और अपने में धारण भी करती है और अंत में सब इसी पृथ्वी में लीन भी हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान से ये सृष्टि उत्पन्न भी होती है और भगवान ही में रहती भी है और फिर भगवान में लीन हो जाती, इसलिए धाता भी भगवान ही। श्रुति भगवती प्रमाण है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम्विशन्ति तद् ब्रह्म। जिससे जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है और जिसमें चलता फिरता है फिर जिसमें लय हो जाता है वह ब्रह्म है। ब्रह्म को ही कोई भगवान कहते हैं, कोई परमात्मा कहते हैं, कोई आत्मा कहते हैं, कोई तत्व कहते हैं, अनेक नाम है भगवान के, अनेक नाम। विष्णु सहस्र नाम है, हजार नाम है भगवान के। बदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यज्ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्ववेत्ता लोग उस भगवान को तत्व कहते हैं, उस ज्ञान को तत्व कहते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, कोई सत्य कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, आनंद कहते हैं, अनंत कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द थे, कोई उसी को ब्रह्म कहते हैं, परमात्मेति कोई परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहते हैं। तो एक पुरुष के यदि अनेक नाम हों तो पुरुष तो अनेक नहीं हो जाता। विष्णु के हजार नाम हैं पर विष्णु तो हजार नहीं है, एक वस्तु के अनेक नाम हो सकते हैं पर वस्तु अनेक नहीं हो सकती है। जैसे अटप विरणम विपिनम गहनम काननम वनम, अटवी अरण्य विपिन गहन कानन वन, ये सब वन के ही नाम है, तो वन अनेक नहीं हो जाते अनेक नाम से। मन के भी अनेक नाम है, चित्तंत चेतो हृदयम स्वांतम हृतमान सम मन। चित्तम चित्त नाम मन का है, चेतो चेत नाम भी मन का है, चित्तंत चेतो हृदयम हृदय नाम भी मन का है, स्वांतम स्वांत नाम भी मन का ही है, हृत हृत नाम भी मन का ही है, स्वांतम हृत मानसम मनः, मानस नाम भी मन का ही है। मन तो मन मन का नाम है ही है। गीता में भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में हूं और लोग मुझको बाहर ढूंढते हैं। अरे जो वस्तु जहां हो वहीं ढूंढना चाहिए, है वस्तु हृदय में और ढूंढे बाहर कैसे संभव है, कैसे वो मिलेगी। गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, अर्जुन सबके हृदय में मैं हूं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदेशे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन जो ईश्वर है वो सबके हृदय में ही विराजमान। लोग बाहर ढूंढते, इसलिए हृदय में ही ढूंढना चाहिए।
सुनते हैं जो कस्तूरी मृग होता है उसकी नाभि में कस्तूरी होती और उसकी महक को सूंघ करके वो बन बन में ढूंढता है। कस्तूरी कुंडल बसे न मृग छू ढूंढ है बन माही, तो बाहर कहां मिलेगी कस्तूरी, उसी के भीतर सुगंधी कस्तूरी। ऐसे ही जीव के हृदय में ही भगवान, अब भगवान के वचन तो परम प्रमाण है ना, कि वो तो सर्वज्ञ ईश्वर के वचन है ना, तो बाहर कोई ढूंढ है, तीर्थों तीर्थों में ढूंढ है, मंदिर मंदिरों में ढूंढ है, काशी में ढूंढ है, हरिद्वार में ढूंढ है, ऋषिकेश में ढूंढ है, तीर्थों में ढूंढता फिर है, मंदिरों मंदिरों में ढूंढता फिर है। तो सज्जनों, तो हृदय से बाहर भय ना, ये बाहर कैसे मिलेंगे, बाहर के मंदिर मनुष्यों ने बनाया और बाहर मंदिरों में जो मूर्तियां बनाई हैं राम कृष्ण विष्णु आदि की, शिव आदि की, वो मूर्तियां भी कोई कारीगर ने शिल्पी ने बनाई, चाहे पाषाण की, चाहे कोई सोने चांदी की बनवा हो, चाहे माटी की, चाहे काठ की, परंतु मनुष्य की बनाई भाई है ना। और उसमें माटी की बनाई भय मूर्तियों में और माटी के बनाए भय मंदिरों में, फिर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, बाजार से ला करके मूर्तियों को ब्राह्मणों को बुलाकर वेद मंत्रों के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्र की भावना, मंत्र शक्ति, अपनी भावना की शक्ति, इन शक्तियों का समावेश करते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तब इनके पूजन होता है। सज्जन बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजन नहीं होता, इसे बाजार से लेकर के मंदिर में कोई नहीं धर सकता। परंतु सज्जनों, उस मंदिरों में तो भगवान की मूर्ति की स्थापना है ना। सोचो, भगवान एक है, भगवान की मूर्ति अनेक हो सकती है, जैसे हम आप एक हैं, पर हमारी फोटो अनेक हो सकती है, हजारों फोटो हम उतरा सकते हैं, कोई संतों की, महात्माओं की, कोई भगवान की अनेक मूर्ति फोटो उतरा लेते हैं, अपने पूजा घर में रखते हैं, भगवान के स्मरण करने के लिए भक्ति करते हैं, फोटो सामने है उसे, इस प्रकार के भगवान थे, परंतु वो सब मूर्ति है ना, और मनुष्यों की बनाई है ना, परंतु ये शरीर रूपी मंदिर किसने बनाया है बताइए, कोई मनुष्य बना सकता है, स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी गाय भैंस बकरी कोई बना सकता है, मनुष्य नहीं बना सकता है। ये मंदिर भी भगवान ने बताए, यतो आयमानि भूतानि जायन्ते, जिससे ये सब भूत प्राणी में शरीर उत्पन्न होते हैं वो तो भगवान है, वही करते हैं ना उत्पत्ति, तो मनुष्य तो नहीं, इस शरीर क्या, शरीर का एक अंग भी नहीं बना सकता है, हाथ पांव आंख कान नाक एक अंग भी मनुष्य नहीं बना सकता है। फिर सारा संसार, तो ये सज्जनों मंदिर है, ये आकार सब, स्त्री का आकार, पुरुष का आकार, गाय भैंस बकरे का आकार, सिंह व्याघ्र के आकार, ये शरीर है ना सब जो दिखाई पड़ते हैं, ये सब मंदिर है।
तीन मंदिरों को किसने बनाया? स्वयं भगवान ने। इन मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं किसी ने किया, स्वयं भगवान भी राजमान भाई जीवात्मा के रूप में देव हैं, परमात्मा देव है, ईश्वर देव है, भगवान देवता है, ब्रह्म देव है। तो मंदिर तो अनेक हैं और देव एक है। देव तो देखता है, ये देवालय मंदिर दिखाई पड़ते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं सर्व से चाहम हृदि सन्निविष्ट, सर्व से हृदि अहम सन्निविष्ट, अर्जुन सबके हृदय में मैं स्वयं ही विराजमान हूं। तो ये शरीर रूपी मंदिर और हृदय रूपी सिंहासन मैंने ही बनाए हैं, और उसी हृदय रूपी सिंहासन में सर्व से चाहम हृदि सन्निविष्ट, सबके हृदय में माने मन में, मानस कहो, मन कहो, चित्त कहो, चेत कहो, चित्तम तो चेतो, हृदयम स्वांतम चाहे स्वांत कहो, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मति मंजुल मात ने, अपने सुख के लिए, अंतःकरण के सुख के लिए। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन, ईश्वर अर्जुन सब भूत प्राणियों के हृदय में ही विराजमान है, फिर बाहर कहां मिले? कहा भीतर तो दिखाई नहीं पड़ता है ईश्वर, नेत्र तो बाहि का दर्शन करते हैं ना, बाहर संसार का। इन नेत्रों को हमारे तुम्हारे नेत्रों को भीतर का ज्ञान नहीं है। तो कहा भगवान की वाणी के द्वारा भीतर प्रवेश करो, गुरु बताएंगे कि अपने हृदय में कैसे देखा जाए। तो भगवान कैसे बताते हैं? तो भगवान बताते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सह। कहते हैं ये शरीर के बाहर क्या है? संसार। ये शरीर के बाहर संसार दिखाई पड़ता है, परंतु संसार को देखता कौन है? इंद्रियां देखती है ना, आंख ही तो देखेगी बाहर का, शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये बाहर है, इंद्रियां भीतर से निकल करके देखती है ना संसार को। आंख बंद कर ले तो बाहर संसार दिखाई पड़ेगा, कौन बैठा है? स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत कुछ दिखाई पड़ेगा? आंख खोलेंगे आंख के भीतर बैठा जो जीवात्मा है वही देखेगा, आंख तो नहीं देखेगी। तो कहते हैं भीतर की तरफ मैं बताता हूं, ऐसे भीतर प्रवेश करो ज्ञान नेत्र से, विवेक नेत्र से। तो बाहर संसार है किसके? शरीर के। कहा शरीर के भीतर प्रवेश कर, तो शरीर के भीतर इंद्रियां हैं। कहा इंद्रियों के भी भीतर चलो। कहा इंद्रियों के भीतर मन है। कहा मन के भी भीतर चलो। भगवान कहते हैं मन के भी भीतर बुद्धि है। कहा बुद्धि के भी भीतर प्रवेश करो। तो कहती यो बुद्धे परतस्तु सह, जो बुद्धि से भी परे है, भीतर है, अंतर है, सह कहते हैं वह को। वह माने वही भगवान, परब्रह्म परमात्मा। तो शरीर रूपी मंदिर के अंदर ये हृदय रूपी बुद्धि मन रूपी सिंहासन है, उसी में वो विराजमान है। तो आत्मा के रूप में वो विराजमान है। तो मंदिर तो अनेक हैं,
और सब भगवान ने बनाया है ये सब। तो भगवान एक ही है जो बैठ करके हृदय रूपी सिंहासन में बैठ के देख रहे हैं, सबकी आंखों से वही देख रहे हैं। देह इंद्री मन बुद्धि प्राण ये सब माया के कार्य हैं, ये जो ईश्वर नहीं बनाए हैं भगवान ने इनको, परंतु इनके सबके ऊपर बैठ करके देख स्वयं देख रहा है। हम आप भी कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूं, ऐसा हम सब लोग कहते हैं ना। अपने देखने में तो किसी को संदेह है नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान, बालक हो चाहे वृद्ध हो, सब लोग कहते हैं अहम पश्यामि, मैं देखता हूं। तो मैं नामक जो तत्व है देखने वाला, वो तो दो नहीं है, वो तो एक ही रहा। अनेक मंदिरों के भीतर, शरीर रूपी मंदिरों के भीतर बैठ करके सबकी आंखों से वही देख रहा है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, अर्जुन सबके हृदय में मैं ही बैठ के देख रहा हूं, क्योंकि देखना देव का काम है, मंदिर का नहीं है। मंदिर नहीं देखते, देव देखता है। इसलिए सब मंदिरों में बैठ के देव ही देख रहा है। स्कंद उपनिषद है, स्कंधोपनिषद। स्कंद नाम खड़ानन का है, उसी को कार्तिकेय भी कहते। तो एक दिन खड़ानन ने पूछा अपने पिता शंकर से कि हे प्रभु, हे पिता, मुझे उस तत्व का उपदेश करो जिससे जन्म मृत्यु से छुटकारा मिले, मने मुक्ति मिले। शंकर जी बोले, हे खड़ानंद, सावधान मन से सुनो करो। देहो देवालया प्रोक्ता सजीव केवल शिवा, त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजयेत। हे खड़ानन, ये जो देह है ना, ये देवालय है, ये सारे देवालय मैंने ही बनाए। देह इंद्री मन बुद्धि आज जो सिंहासन है शरीर के भीतर अंतःकरण, वो सब मैंने बनाए। देहो देवालय प्रोक्त सजीवा, और इसके भीतर जो जीवात्मा है केवल शिवा, वो एक, केवल माने एक, और वही शिव माने सच्चिदानंद ब्रह्म। मैं शिव ही सब में बैठकर देख रहा हूं। तो देखने वाले को देव कहते हैं, और दिखाई पड़ने वाले ये सब देवालय हैं। सजीवा, वो जो जीव है केवला शिवा, वो एक अद्वितीय शिव है। शिव का अर्थ होता है सच्चिदानंद घन ब्रह्म। त्यजेत अज्ञान निर्माल्यम, मैं देह हूं, स्त्री हूं, पुरुष हूं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हूं, इस अज्ञान रूपी निर्माल्य का त्याग करो। देव का भी देवालय हो सकता है, मकान में रहने वाला मकान को जानने वाला कहीं मकान हो सकता है। हम आप मकान में रहते हैं, मकान को जानते हैं, देखते हैं, क्या हम मकान हो जाएंगे? मकान को ज्ञान नहीं है, हम तो ज्ञानवान हैं। तो इसी शरीर, ये मंदिर जो है, ये मकान ही तो है। अरे, देवों के रहने वाले मकान मंदिर, मनुष्यों के रहने वाले मकान। इसलिए मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, इस निर्माल का, ज्ञान रूपी निर्माल का स्कंद त्याग करो।
अपने आप को मुझ सच्चिदानंद ब्रह्म शिव का स्वरूप समझो। अपना स्वरूप क्या है? चिदानंद रूप शिव हम शिव हम, सच्चिदानंद स्वरूप शिव मैं हूं, ब्रह्म मैं हूं। जो ब्रह्म है, वेद कहता है तत्त्वमसि, अरे जीव वही तू है। तो ईश्वर की वाणी सुन करके फिर जीव कहता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। क्योंकि ईश्वर की वाणी तो परम प्रमाण है ना, अब दूसरे से पूछने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जीव तो अल्पज्ञ हैं, ईश्वर सर्वज्ञ है। इन सब जीवों को ईश्वर उपदेश देता है कि जो ब्रह्म है तत्त्वमसि वही तुम्हारा स्वरूप है, इसलिए अपने को ब्रह्म रूप जानो। इसीलिए ब्रह्मवेत्ता अपने को अहम ब्रह्मास्मि रूप से पुकारते हैं, सोहम रूप से पुकारते हैं। सो माने वह ब्रह्म, अहम माने मैं। तो यो बुद्धे परतस्तु सह, जो बुद्धि से भी ऊपर है, भीतर है और देख रहा है, प्रकाश रहा है। बुद्धि को भी वह हम ही देखते हैं, मन को भी हम ही देखते हैं, इंद्रियों को भी हम ही देखते हैं, और इंद्रिय रूपी द्वारों से निकल करके बाहर संसार को भी हम ही देखते हैं। दूसरा देखने वाला तो कोई है नहीं, देव ही देखता है। तो देव एक है, एको देव सर्वभूते सुगूढ़ः, एक ब्रह्मदेव ही देव है, सब में बैठ के देख रहा है। गूढ़ इसलिए है कि दिखाई नहीं पड़ता है। अरे जो देखता है वो दिखाई कैसे पड़ेगा, और जो दिखाई पड़ते हैं ये देवालय हैं, ये देख नहीं सकते हैं। और जो देखता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, क्योंकि मंदिर के आकार हैं, देवालय के तो आकार है ना। हर देखने वाला तो ज्ञान है, वो निराकार है, दिखाई कैसे पड़ेगा। तो हम आप देखते हैं, दिखाई नहीं पड़ते सज्जन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।